अब है हमारे पास 4:1 मल्टीप्लेक्सर मक्स, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करेगा, क्या ब्लॉक डायग्राम होगा इसका। अब इसके पास n:1 मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 4। तो कितने इनपुट्स हो गए इसके पास, 4 इनपुट्स, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 4, तो हो गया i0, i1, i2, i3, ठीक है। 4 इनपुट्स हो गए, सिंगल आउटपुट y, ठीक है। और इसके पास कितनी सेलेक्ट लाइंस होंगी, तो फॉर्मूला क्या था, 2 to the power m इक्वल्स टू n, तो 2m, n यहाँ पर क्या है 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2, तो 2 to the power m इक्वल्स टू 2 to the power 2 हो गया, ठीक है। फिर से देख लो इसे, 2 to the power m इक्वल्स टू n होता है, ठीक है। n यहाँ पर क्या है 4, तो 2 to the power m इक्वल्स टू यहाँ पर 4 आ गया। अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 to the power 2, ठीक है। तो 2 to the power m इक्वल्स टू 2 to the power 2, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो कितनी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन चाहिए हमें यहाँ पर, 2, s0 s1, ठीक है। और ये हो गया सिंगल आउटपुट। तो ये है 4:1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो अब इसके इनपुट डिसाइड करेंगे कि आउटपुट पे हमें कौन सा इनपुट मिलेगा, ठीक है। अब इसका फंक्शन टेबल देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा ये। s1 s0, ये हो गया आउटपुट, ठीक है। अब ये 2 वेरिएबल्स हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 4, 2 to the power 2 इज़ 4 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। या तो 0 0 0 1 1 0 1 1, जब 0 0 होगा तो आउटपुट पे हमें 0 y0 मिलेगा, जब 0 1 होगा तो i1 1 0 होगा तो i2, और जब 1 1 होगा तो i3 हमें आउटपुट पे मिलेगा, ठीक है। तो इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन लिख लो इसके अकॉर्डिंग, ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। तो y इक्वल टू हो जाएगा, देखो हम इसे SOP फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जब 0 होगा तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे वेरिएबल का, अगर 1 होगा तो उस वेरिएबल को एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये फर्स्ट केस में, जब S1 और S0 की वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट पे हमें I0 मिल रहा है, तो S1 S0 दोनों के कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, I0। प्लस जब S1 S0 की वैल्यू 0 1 होगी, तो S1 कॉम्प्लीमेंट S0, तब हमें मिलेगा I1, ठीक है। प्लस जब ये वैल्यू होगी, सॉरी, S0 का कॉम्प्लीमेंट, तब हमें आउटपुट मिलेगा I2। प्लस जब दोनों की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट पे हमें मिलेगा I3। तो ये आ गई लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो y इक्वल्स टू S1 S0 I0 प्लस S1 S0 I1 प्लस S1 S0 I2 प्लस S1 S0 I3, ठीक है। ये लॉजिक एक्सप्रेशन होगी फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब हम इसका लॉजिक सर्किट देख लेते हैं कैसे बनेगा। अब यहाँ पर देखो 4 टर्म्स हैं, तो 4 एंड गेट यूज़ करने पड़ेंगे हमें, और एडिशन हो रखा है इनका आपस में, तो और गेट, ठीक है। तो 4 एंड गेट्स बना लो, ठीक है। अब इनके इनपुट यहाँ पर कितने देने पड़ेंगे हमें, 3 इनपुट्स, ठीक है। 3 इनपुट्स हो गए, 3 इनपुट एंड गेट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया S0 S1, ठीक है। ये S0 S1 की लाइन बना ली, ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, इन्वर्ट करके हमने दे दिया, ठीक है। अब पहले गेट में S1 और S0 की दोनों की कॉम्प्लीमेंट इन्वर्टेड वैल्यूज़ है, तो एक को कनेक्ट कर दो S0 से, दूसरे को कनेक्ट कर दो S1 से, ठीक है। और तीसरा इनपुट हो गया हमारे पास I0, तो आउटपुट पे इसके हमारे पास ये एक टर्म मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसके इनपुट पे है एक का S1 का इन्वर्टेड फॉर्म, ये हो गया, दूसरे का S0 यहाँ से लेंगे, यहाँ से कनेक्ट कर दो इसे, और थर्ड इनपुट हो गया I1, ठीक है। अब इसके लिए होगा S1, ये S1 यहाँ से आ गया, S0 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये यहाँ से आएगा, इसे ऐसे ले लो, ये आ गया। और फोर्थ हो गया हमारे पास, तो सॉरी थर्ड हो गया I2, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली टर्म बनानी है हमें, S1 यहाँ से आ जाएगा,
एस ज़ीरो हो गया यहाँ से और आई थ्री हो गया, ठीक है। अब ये आपस में ऐड हो रखे हैं तो कौन सा गेट यूज़ करेंगे हम, और गेट, ठीक है, एडिशन के लिए। तो आउटपुट पे हमें मिल जाएगा वाई, ये वाली टर्म पूरी, ठीक है। तो इस तरीके से 4:1 मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा। थैंक यू।